हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी पहली मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है, और वो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको अभी तक पता ही चल गया होगा कि इसने अपनी पहली मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं कि मैम जो आपने मुझे बताया था एक तरह से डाटा, तो वही डाटा यहाँ पे शो किया गया है पहली मेरिट लिस्ट। अभी यहाँ पे राउंड और होंगे, तो उसके लिए परेशान मत होना। यहाँ पे EWS का 9 मार्क्स भी आया है, तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुनना, लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबसे वो रिलेटेबल करेगी बात, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सारे जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड का, जितना भी सब्जेक्ट है उन सबका पहला मेरिट लिस्ट सबको हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने MA इंग्लिश की ओपन करी, यहाँ पे MA इंग्लिश पे जाएंगे, कुछ नहीं करना है बेटा। यहाँ पे आप ऊपर जब महात्मा गांधी सेलेक्ट करेंगे, महात्मा गांधी को सर्च करके आप एडमिशन पे चले जाना, खुद ही ये ऐसा जो इंटरफेस है ओपन होके आ जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे सारी अपडेट दी हुई है, आप यहाँ पे हर एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ये डाउनलोड हो गई है, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या नंबर पे आपको एडमिशन मिला है। जैसे कि देखो, यहाँ पे ये इंग्लिश वाला है, ये 10 तारीख को रिलीज़ हो गई थी, और ये फॉर्म नंबर है आपका, आपकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया, और आपकी रैंक क्या है। तो यहाँ पे बच्चों देख लो कि खुद से ही समझ जाओ कि अनरिजर्व्ड 95 मार्क्स भी आया है, तब भी महात्मा गांधी ने उस अपने यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिया है। फिर हम बात करेंगे OBC की, कि OBC 94 से 50 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला है, और SC के 4 बच्चों को एडमिशन मिला है जिसके 90 है, 86 है, 84 है और 80 है, और ST के 2 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है, और EWS के 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिला है। तो 70 मार्क्स तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। तो ये रैंक आपकी हो गई फर्स्ट। तो ये बेसिकली इंग्लिश का हो गया। अभी हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या है लिस्ट, और कितनी कट ऑफ गई है, कितने मार्क्स तक के बच्चों को लिया गया है क्या। तो ये देखो, अनरिजर्व्ड वाले हैं, अनरिजर्व्ड वालों को 184 से लेकर के 144 तक की भी एडमिशन मिला है, और OBC 143 से लेकर के 121, और शेड्यूल कास्ट के लिए 133 से 107, और ST के लिए 98 टू 85, और EWS के लिए 141 टू 118। यहाँ पे इतने तक भी एडमिशन मिल गया है आपको। अब हम बात करेंगे MA जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी के लिए भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ इसके बारे में बता दीजिए कि क्या लिस्ट में आया है, हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, अनरिजर्व वाले बच्चे की 133 से लेकर के 92 मार्क्स हैं आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया है, और OBC 92 से लेकर के अगर 75 मार्क्स है तब भी आपका हो गया है। शेड्यूल कास्ट की 4 सीट्स थी, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स में यहाँ पे 4 सीट्स हैं, तो 80 से 64 मार्क्स के अंडर वाले बच्चों को हो गया है, और 50 to 76 मार्क्स वाले बच्चों का ST के जो हैं उनको मिल गया है, और EWS के 3 सीट्स हैं, तो 85, 78 और 71 यहाँ पे अगर मार्क्स हैं आपके तो उनको भी एडमिशन मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में, फिर हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में कितना है, क्या है आपका, किन कैटेगरी वाले बच्चों को कितने मार्क्स से लिया गया है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड को 144 से 100 के मार्क्स के बीच में लिया गया है, OBC 96 से 67 और SC 90 से 56 और ST 51 और EWS 90, 84 और 77 इनको एडमिशन मिला है। अब हम बॉटनी की बात करेंगे, तो यहाँ पे बॉटनी को हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें बॉटनी वाले जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको 165 से 99 मार्क्स तक की मिला है एडमिशन, 92 से 74 तक भी मिला है, और 85 से लेकर के 55 तक भी आपको एडमिशन मिला है, और EWS 61 से लेकर के 29 तक भी एडमिशन आपको दे दिया गया है। इस अकॉर्डिंग आप सारे के सारे यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करके अपनी अपनी कट ऑफ को देख लो कि कितनी कट ऑफ गई है, आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आपको कुछ भी और जानना है UGC से रिलेटेड क्या सब कुछ, तो यहाँ पे एक क्लियर लिखा हुआ है, न्यू करके टैप टैप करके आ रहा है, इसको देख लो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग रिवाइज्ड गाइडलाइंस एंड फी स्ट्रक्चर फॉर द सुपर न्यूमरेसी सेल्फ फाइनेंस एंड पेड सीट। मतलब आप सेल्फ फाइनेंस और पेड सीट के लिए यहाँ पे जरा क्लिक करके देख लो, अगर यहाँ पे कोई ऐसी खास नोटिस होगी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। देख लो, अगर यहाँ पे एडमिशन इनकेस इन सब में नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आप पेड सीट पे भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि
नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना 29/10/2021 यहाँ का ये गाइडलाइंस दिया हुआ है। ये 10 मई को आई थी ये जो लिस्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि एम कॉम की 11 सीट्स हैं, लाइब्रेरी साइंस बीए बीकॉम ऑनर्स की 11 हैं, और जो लाइब्रेरी साइंस का मास्टर्स है वो 11 है, एमएससी इन बायोटेक 5 है, एमबीटेक 5 है और एमबीए 5 है। आपकी किस्मत होगी, आपको इन्हीं पेड सीट्स में आपका नाम हो सकता है अगर आपको उसमें रेगुलर में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पे इसका जो फीस है, देखो फीस तो ज़्यादा होगा अगर आपका यहाँ पेड सीट आप ले रहे हो तो फीस उसकी ज़्यादा होगी, आपका साल नहीं ख़राब होगा। ये पर ईयर की यहाँ पे फीस अवेलेबल कराई गई है और उतनी फीस देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है पर सेमेस्टर की है, पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, बट लाइब्रेरी साइंस की 10,000 है तो उसके अकॉर्डिंग भी मतलब आप देख सकते हो एक बार। तो ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ क्लियर किया गया है, आप देख लो कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। पेड सीट्स भी यहाँ पे अवेलेबल करा दी हैं उन्होंने। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हो तो बेटा उसका ई लर्निंग या उसका जो ब्रोचर है वो ज़रूर से पढ़ लो, वो पढ़ लोगे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर कन्फ्यूज़न कोई भी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप उसमें खुद से देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बच्चों को हेल्प मिलती है जो भी उनके फॉर्म में दिक्कत होती है। अगर उनको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई, प्रोग्राम सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे मैं एक एक चीज़ क्लियर करती हूँ, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो बच्चे आपस में एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करके हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आप यहाँ का ब्रोचर भी पढ़ सकते हो, ब्रोचर देख लेना एक बार और क्लियर कर लेना अपनी अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो ये हर एक एक चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है, देख लो, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लेना। आप वहाँ पर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू टेलीग्राम, ओके। ब्रोचर जरूर से पढ़ लेना यहाँ का, एक बार देख लेना तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।